गुड इवनिंग दोस्तों, मैं सुजॉय चौरसिया। आज हमारे इस लॉकडाउन के 6 डे पे और ये मेरी 5th वीडियो है। आज हम बात करने वाले हैं कोरोना पे वर्ल्ड पॉलिटिक्स की, कौन कहां क्या आरोप और प्रत्यारोप लगा रहा है। हम एक आम भारतीय नागरिक के तौर पे जहां इस लॉकडाउन से ग्रस्त हैं, जो कि शायद हमारी जरूरत है देश की सरकार की, जिससे कि ये संक्रमण बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, और लास्ट में आप एक इंडिविजुअल के तौर पे क्या कर सकते हैं इस फाइट को मदद करने के लिए। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि कोरोना पे पॉलिटिक्स क्या खेली जा रही है। ये चालू चाइना से हुआ था, ये हम सबको मालूम है। वुहान के शहर में चालू हुआ, किसी नॉन वेजिटेरियन मार्केट से चालू हुआ और उसके बाद पूरी दुनिया में फैल गया। अब मुझे नहीं मालूम कि यह एक आर्टिफिशियल बायोलॉजिकल वारफेयर का वेपन है या फिर ये वाकई में एक जेनुइन वायरस है जो कि चाइना से कंट्रोल नहीं कर पाया और पूरे दुनिया में फैल गया। एक बात जरूर है कि इसमें बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और चाइना की मिलीभगत से ये शुरुआत के संक्रमण के दौरान इसको जब कंट्रोल किया जा सकता था, ये दुनिया में फैलाया नहीं गया कि कितना डेंजरस वायरस है। हाँ, चीन से जब ये फैल के चाइना के अंदर लगभग 4000 लोगों की मौत कर चुका था, उसके बाद ये पूरी दुनिया को बताया गया कि इसकी डेंजरस एक्टिविटीज क्या है इस वायरस की। आज की तारीख में जो हमको मालूम है कि यह सबसे ज्यादा अफेक्ट कर रहा है यूएस, इटली, ईरान और यूरोप के दो और देश, दैट इज स्पेन एंड फ्रांस। अगर आज की तारीख में देखा जाए तो मृत्यु चीन से बाहर ज्यादा हो चुकी है, परिस्थिति ऐसी है, वुहान खुल चुका है, प्रोडक्शन चाइना का चालू हो चुका है, लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज अंडर लॉकडाउन इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया जहां का केस आज की तारीख में 800 के ऊपर जा चुका है और इन स्पाइट ऑफ लॉकडाउन इट इज स्टिल ग्रोइंग एट अ फेयरली रैपिड पेस। मेरी भारत सरकार से कुछ विनतियां, कुछ दरखास्त, कुछ रिक्वेस्ट है। मैं एक छोटा बिजनेसमैन हूं, मुझे मालूम है कि मेरा बिजनेस इस लॉकडाउन की वजह से लगभग चौपट हो गया। आज की तारीख में अगर ये लॉकडाउन खुला भी तो भी मुझे कम से कम 5 से 8 महीने लग जाएंगे वापस उस परिस्थिति में आने के लिए जो लॉकडाउन के पहले मेरा बिजनेस था। दूसरी बात, मुझे क्रेडिट की भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये दुकान खोलते ही बराबर मेरी ग्राहकी नहीं बढ़ेगी, मुझे ग्रेजुअली बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं भारत सरकार से यह जानना चाहूंगा कि हम जैसे छोटे बिजनेसमैन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या सोच रही। आज की तारीख में सबसे पहली बात कि हाँ, भारत को बहुत बड़ी सेना की जरूरत है, ये मैं फ्रंटलाइनर्स की बात कर रहा हूँ, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास काफी बड़ी एम्प्लॉय सेना है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अंदेशा है कि शायद ये कम पड़े। इसलिए अगर आप टीवी में देखें, हर कोई बात कर रहा है कि इनके पास कितने हॉस्पिटल्स, कितने बेड्स है कोरोना वायरस से जूझने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छी एक इनिशिएटिव भी खोली है। हम लोग इंडिविजुअली अपनी वीडियोस यूट्यूब पे, टिकटॉक पे इस लॉकडाउन के दौरान जरूर चढ़ा रहे हैं, लेकिन जिसने मेरी ये वीडियो देखी वह कोशिश जरूर करिएगा कि mygov.in पे एक सपोर्ट सेक्शन है जहां आप रजिस्टर कर सकते हैं, आपके व्यूज डाल सकते हैं और अपना सजेशन दे सकते हैं गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट क्या लड़ाई लड़ने में हमारा योगदान चाहती है। एक बात मुझे पता है कि गवर्नमेंट को इसमें पैसे की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडियन गवर्नमेंट के पास फिलहाल पैसे की कमी है। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अपने खजाने खोल दिए हैं और लगभग 3.8% ऑफ आवर जीडीपी जैसा पैसा लगाने को तैयार है। इसमें सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड आदमी है वो डेली लेबरर है, जो कि एकदम फ्रंट लाइन में है, उसकी आज रोजी रोटी खत्म हो चुकी है, वो पलायन कर रहा है बड़े बड़े शहरों से। और ये मेरी रिक्वेस्ट है जितने भी प्लानर्स बैठे हुए हैं आपकी सेंट्रल टीम में कि क्या इन लोगों को पलायन करने में हम मदद नहीं कर सकते। ये शायद मेंटल ब्लॉक है आप लोगों का कि आप ये सोच रहे हैं ये वहीं बैठे रहेंगे, जबकि इनके पास पैसे नहीं है बड़े बड़े शहरों में सर्वाइव करने के, इन्हें एक दिन की दिहाड़ी नहीं मिलती तो ये अपने गांव में लौटना पसंद करते हैं क्योंकि इनको एक कंफर्ट चाहिए, वहां इनको ऐसा लगता है कि इनके फैमिली मेंबर्स इनका ख्याल रखेंगे। अगर हम वुहान से अपने स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करके प्लेन से ला चुके हैं, अगर ईरान से ला चुके हैं, तो इंटर स्टेट में हम इन बस क्यों नहीं मुहैया करा जा सकते। मैं मयूर विहार में रहता हूं और मैंने देखा हुआ है कि मयूर विहार के बहुत पास आनंद विहार में एक बस डिपो है जो कि इंटर स्टेट बस डिपो है, और यहाँ पे आज की तारीख में भी मुझे भीड़ दिख रही है जो कि कंट्रोल नहीं की जा सकती है। पुलिस या प्रशासन कितने लोगों को कब तक खिलाएगा,
इससे बढ़िया है कि बसेस मुहैया कराई जाए। नो डाउट ये एक बहुत बड़ी मूवमेंट है पब्लिक की, ये उनकी लाइफ को भी एंडेंजर करता है और जिन जिन के साथ ये टच में आते हैं उनको भी संक्रमण करने की ये डेंजर रखता है, लेकिन इससे बढ़िया कि वो शहर में रहें और अपनी गंदगी फैलाते रहें क्योंकि ये किसी अपने घर में नहीं रह रहे, इससे बढ़िया इनको इनके गांव में जाने दिया जाए और वो फैसिलिटी और ट्रांसपोर्टेशन इनको अलाउ की जाए। दूसरी बात जो मेरा सजेशन है, आज की तारीख में इसेंशियल और नॉन असेंशियल के बीच में बहुत बड़ी गहमा गहमी है, कौन सी सर्विसेज एसेंशियल हैं जिन्हें कि आप ट्रांसपोर्ट के लिए या पासिस के साथ अलाउ करना चाहते हैं। आज की तारीख में मैं मानता हूँ कि दो कैटेगरीज हैं, एक इसेंशियल वो जिसके बगैर आम आदमी जी नहीं सकता, वो है खाना पीना, दवाई, बिजली और पानी, जो कि घर में रहने के लिए जरूरी है। लेकिन इसको छोड़ के मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैं फर्नीचर बेचता हूँ, मेरे पूरे फर्नीचर की कैटेगरी में एक ऐसी कैटेगरी है वो है ऑफिस चेयर्स और टेबल्स, क्या इन्हें बेचना अलाउ करना चाहिए? क्योंकि आज की तारीख में आपने वर्क फ्रॉम होम ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है और वर्क फ्रॉम होम में आज की तारीख में एक बेसिक नेसेसिटी है वो है टेबल और चेयर, अगर टेबल चेयर नहीं रहेगी तो आदमी बैठ के घर से काम कैसे करेगा। इसको छोड़ के और एक नेसेसिटी जैसे कि एक लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्टिविटी, टेलीकॉम, मुझे लगता है कि टेलीकॉम आपने बेसिक नेसेसिटी के तौर पे तो डिक्लेयर कर दिया, लेकिन प्राइवेट स्टोर्स की जितने भी शॉप्स हैं वो शटडाउन मोड में ही हैं, वो नहीं काम कर रहे हैं, मैं खुद भी इसका एक विक्टिम हूँ। मेरा एक सिम कार्ड जो कि सिर्फ लॉकडाउन के पहले फ़ोन चोरी हो गया था और बंद कराना पड़ा, वो मैं आज तक यानी कि सातवें दिन तक एक्टिवेट नहीं करवा पाया हूँ। ये इसलिए क्योंकि मेरा जो सिम है वो वोडाफोन का सिम है, मैंने काफ़ी मेहनत कर ली लेकिन मुझे ये पता लगा कि जब तक स्टोर खुलेगा नहीं मेरी फिजिकल वेरिफिकेशन दोबारा नहीं कर पाएंगे, ये लोग असक्षम हैं उस सिम को एक्टिवेट कराने के लिए। कमिंग डाउन टू द सजेशंस ऑफ हाउ इंडिया शुड रिएक्ट, मुझे नहीं लगता सर कि आपके लॉकडाउन जो कि 15 अप्रैल तक चलने वाला है उसके बाद भी ये संक्रमण पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। यद्यपि आप ये मानते हैं कि ये लॉकडाउन को एक्सटेंड करना है तो इसकी न्यूज पहले ही शेयर कर दी जाए, इसके साथ लोगों को थोड़ी आजीविका के लिए मदद की जरूरत पड़ेगी। आपने फाइनेंस के अपने हालांकि बजट खोल दिए हैं लेकिन यह टाइम हमें एक दूसरे को सपोर्ट करने का। मेरा तीसरा सजेशन ये है कि बहुत सारे भारतीय ऐसे हैं जो कि आपकी गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉयज नहीं है या हॉस्पिटल में काम नहीं करते लेकिन वो वॉलंटियर करना चाहेंगे, चाहे पैसे के साथ या फिर फिजिकल वॉलंटियरिंग के साथ। अगर आपका कोई ऑटोमेटेड सिस्टम है जिसमें आप इन लोगों को एक आइडेंटिफिकेशन देके एक स्पेसिफिक टास्क दे सकते हो, दिस कैन बी रिलेटेड टू वॉलंटियर्स हु आर बेस्ड आउट ऑफ सोसाइटी एंड हु अलाउ द रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी फॉलोड अकॉर्डिंगली इन देयर रिस्पेक्टिव सोसाइटीज। फॉर एग्जाम्पल मैंने पुलिस को आज देखा है कि वो डंडा लेके सब लोगों को सड़कों से भगाने पर तुली हुई है। अब इसमें वो आम आदमी भी फंस जाता है जो शायद अपनी एसेंशियल्स खरीदने के लिए, दवाई लेने के लिए, दूध लेने के लिए, ब्रेड लेने के लिए, सब्जी लेने के लिए निकला। ऐसे कई आवारा भी आपको मिल जाएंगे जो सिर्फ सड़कों में आवारागर्दी करने के लिए निकले लेकिन घर बैठे करे भी क्या, कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी करनी पड़ेगी इसलिए वो घर से निकल गए। इन लोगों से घर में बैठना बड़ा मुश्किल कार्य है और आपने इन्हें 15 अप्रैल तक रोक दिया है। मेरा चौथा सजेशन ये है कि आप लोगों ने लेबरर्स के लिए सोच लिया, एक्शन भी ले लिया, फाइनेंस मिनिस्टर ने एक्शन ले लिया, लेकिन आज की तारीख में जो आपने इंप्लीमेंट किया कि भी 2 महीने तक आप अपनी ईएमआई डिफर कर सकते हो, पोस्टपोन कर सकते हो, इसको क्लैरिटी दे। ये बेसिकली जो मुझे समझ में आता है, दिस इज नॉट अ राइट दैट आई विल नॉट पे माय ईएमआईज, ओनली आई एम नॉट पेइंग माय ईएमआईज टिल May 31st। ये जो भी 1, 2 या 3 ईएमआईज आएंगी डिफरमेंट में ये इस पीरियड के बाद दी जाएंगी और इसको डेफरमेंट के लिए कस्टमर की सिबिल रेटिंग को खराब नहीं किया जाएगा। इस चीज को थोड़ा स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारा बैंकिंग सेक्टर, स्पेशली हमारा प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर इसे आसानी से इंप्लीमेंट करने वाला है, खासतौर से उन लोगों के लिए जिनको की इसकी जरूरत है। इसकी जरूरत उन बिजनेसमैन को पड़ेगी जिनका बिजनेस प्योरली रोटेशन पे चलता है, उनकी कैपिटल और उनका मनी रिसीवेबल्स आते हैं सेल्स के ऊपर, क्योंकि इस दौरान बेयर एसेंशियल्स को छोड़ के और किसी चीज की सेल नहीं हो रही है, बिक्री नहीं हो रही है। इसके लिए
उन लोगों की इनकम भी लॉक्ड है, जो लोग एम्प्लॉयज हैं या एम्प्लॉयज की फैमिली है वर्क फ्रॉम होम कर रही है, मेरे ख्याल से उन्हें एक अश्योरेंस है कि उन्हें 31 मार्च को और 30 अप्रैल को सैलरी मिलेगी। लेकिन जो लोग जॉब में नहीं है या जो लोग ऐसे व्यापारी हैं जो बेयर एसेंशियल्स का बिजनेस नहीं कर रहे हैं, उनके लिए गवर्नमेंट को ये फैसिलिटी या सहूलियत देनी पड़ेगी। मेरी आखिरी सजेशन ये है कि आप अपनी पॉलिसीज को इस तरह ट्यून करें, मौका अच्छा है, हम इंडियन ग्रोथ को रिवाइव कर सकते हैं। कैन वी लुक एट अल्टरनेटिव बियॉन्ड चाइना? चीन ने जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स खेलने का गेम कार्यक्रम चालू हुआ है उसमें चीन यूएस के ऊपर ब्लेम लगा रहा है कि शायद ये वायरस वहां से आया। ये वायरस चाइना से आया या अमेरिका से आया, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा इंडियन मुझे ये मालूम करना है कि क्या हम चीन के बराबर कंधे से कंधा मिला के या उनके साथ कॉम्पीट करके वैसी ही मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया में बना सकते हैं कि नहीं। आप लोगों ने डायरेक्ट सब्सिडी बेनिफिट ट्रांसफर का मैकेनिज्म तो बना दिया है, लेकिन क्या हम लोग इस बात का गेम भी सोच रहे हैं कि इंडिया कैन बिकम एन ऑल्टरनेट मैन्युफैक्चरिंग हब हिंदुस्तान में? आदरणीय मोदी जी, ये सजेशन आपके लिए कि हिंदुस्तान में आज करोड़ों की जनसंख्या में हम लोगों ने कॉलेज से एजुकेशन पढ़ा के निकाल दिया, लेकिन वो पकोड़ा तलने वाले बनने के एस्पिरेशन नहीं रखते, वो एक अच्छी जॉब की या अच्छे बिजनेस एंटरप्राइज की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, विच इज बियॉन्ड ट्रेडिंग। वी डोंट वांट टू सी इंडिया प्योरली बिकमिंग एज अ कंज्यूमर सोसाइटी विच इज डिपेंडेंट प्योरली फॉर ऑयल फ्रॉम सऊदी अरेबिया और ईरान एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स फ्रॉम चाइना। We would like to see as businessmen all these products except for raw materials to be made and manufactured in India. मैं हिंदुस्तान में ये चीजें बनते हुए देखना चाहता हूँ, अपने जीवन काल में देखना चाहता हूँ कि इंडिया भी उतना बड़ा पावर बन सकता है। यही ये मौका है जब हम अपना दिमाग लगा सकते हैं। आज पूरा देश आपके पीछे खड़ा है, अगर इस दिशा में हम काम कर सके तो यह हर हिंदुस्तानी और हमारे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत बेहतर हो। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले mygov.in में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अपना सुझाव दें, रजिस्टर करें, वॉलंटियर करें, डोनेशन दे सकते हैं तो डोनेशन दें, और साथ में मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं। इससे मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको ये बता पाऊंगा कि हम इस लड़ाई में कैसे सक्सेसफुली आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू।